नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुदर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं रिम्स में। जैसा कि कोरोना का प्रकोप जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है और लोग जो है जब जीवित रहते हैं और यहां पर आते हैं तो लाइन लाइन के कतार में लगना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मरने के बाद भी जब इंसान का जब जान चला जा रहा है उसके बावजूद जो है फिर लाइन लगाना पड़ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है, लोग बेचैन हाल में हैं। गुमला से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनके परिजन मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। कब से सर आप यहाँ पे आए हुए हैं और क्या मामला है? परसों यहाँ एडमिट किया है, लाइन लगने के बाद में, उसके बाद में जाँच में भी बहुत देरी हुआ और नर्स ना डॉक्टर ना कोई वैसा, बहुत बुरा हालत में। उसके बाद में मेरा पेशेंट डेथ कर गया कल 6 बजे, और 6 बजे डेट करने के बाद में 11 बजे कोरोना का रिपोर्ट आया, और 11 बजे से चक्कर काटते काटते अभी तक भी परेशानी में, अभी तक भी हमको नहीं अति हुआ है। इतना परेशानी हो रही है कि डेथ बॉडी मिलने में भी, और वहाँ दाह संस्कार तो खैर कोरोना है तो वहाँ अपना सरकार गाइडलाइन के तहत करेगी, लेकिन फिर भी हमको इतना परेशान चक्कर रिम्स का काटते काटते बहुत परेशान हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पे परेशान हाल में है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि रिम्स से लेकर मुक्ति धाम तक जो है कतारें लगी हुई है और लोग जो है मरने के बाद भी जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है कि, और लोग पैरवी कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो बॉडी जो है उसका अंतिम संस्कार हो और लोग अच्छे से फिर रहें। तो आप भी संभल कर रहे हैं, घरों से निकले तो मास्क पहन करके निकले, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मैं जानकारी दे दूं कि मैं अभी मौजूद हूं ट्रामा सेंटर के मर्चरी वार्ड में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है कोरोना से जो है मौतें हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पे, यहां का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं सब अपना बॉडी के इंतज़ार में है। मर्चरी रूम में जो है सबका बॉडी रखा हुआ है, किसी का बॉडी है 2 दिन से, किसी का 3 दिन से, घंटों घंटा 2 से 3 दिन से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कब से यहाँ पे आए हुए हैं और क्या परेशानी हो रही है। सर, कब से आए हुए हैं, क्या परेशानी हो रही है? बताइए। मुनारी बोलिए। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, सुबह 3:15 का डेट है, अभी तक बॉडी नहीं मिला है। और बॉडी नहीं मिला है उसके अलावा फिर जो जनरल वार्ड में है, जनरल वार्ड में उसके बाथरूम में इतना पानी है कि वो पूरा प्लान मर्डर है। किसी को बाथरूम में भेजो, स्लिप पे गिरेगा, मरेगा, पूरा प्लान मर्डर है। बाथरूम में चारों तरफ चूहा घूम रहा है, इतना ज़्यादा वो बेड पे गंदा है, इसे पूरा प्लान मर्डर है। नाम है मेरा शिव ओंकार। मेरे फादर का इसमें डेथ हुआ है सुबह 3:15, अभी 7:30 बजने जा रहा है। बॉडी के लिए वेट कर रहा हूँ, रातू रोड में रहता हूँ। की स्थिति जो है बहुत ही गंभीर स्थिति है, लोग परेशान हाल में है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि अंदर जो वार्ड जो है उसमें जो बाथरूम जो है उसमें जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अगर लोग अगर बाथरूम अगर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो गिर कर भी उनकी मौत हो सकती है। और मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 से 6 दिन में करीब बहुत सारी मौतें हो चुकी है, करीब 100 से 150 लोगों की मौतें हो सकी है 5 से 6 दिन में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे कोविड के भी पेशेंट हैं। अभी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि करीब 8 से 10 बॉडियां रखी हुई है जो कि कोरोना पॉजिटिव बॉडी है, और लोग घंटों घंटा 2 से 3 दिन से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक लोग जो है लाइन लगे हुए हैं, कतारें लगी हुई है। आप होशियार रहें, सावधान रहें, इस बीमारी को हल्के में ना लें। घर से निकले तो पूरा सुरक्षित निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो है अलर्ट रहें, सावधान रहें। और यहाँ पे बहुत ही ख़राब स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एशिया न्यूज़ के माध्यम से, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मैं कैमरामैन नौजिस के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।